हरे कृष्णा राधे राधे, वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सॉरी, क्योंकि आज हम गिरिशोना को हमारे साथ नहीं ला पाए, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है तो गिरिशोना निन्नो निन्नो कर रहे हैं। तो फिर भी आप सब लोग प्यार से थोड़ा गिरिशोना को राधे राधे बोल दीजिए, क्योंकि वो हमेशा सब कुछ सुन सकते हैं। तो चलिए सब बातों को हटाते हैं और सबसे पहले आप सबका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे कुछ मित्र ने हमसे पूछा, दीदी लड्डू गोपाल जी का आँख निकल गया, लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उनका रंग खराब हो रहा है, वो काले पड़ रहे हैं, मैं जितना भी साफ करूँ फिर भी काले पड़ जाते हैं, तो क्या लड्डू गोपाल जी हमसे नाराज है? क्या वो हमसे पूजा लेना नहीं चाहते, इसीलिए उन्हें बार बार इतना तकलीफ हो रहा है, या फिर उन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? तो सबसे पहली बात, ठाकुर जी कभी भी हमारे ऊपर नाराज नहीं होते, क्योंकि ये जो विश्व ब्रह्मांड है ये तो उन्हीं का ही है, हमारे पास जो है वो भी उनका है, तो वो भला हमारे ऊपर क्यों नाराज होंगे? सब कुछ ही तो उनका है, बस आप प्रेम से थोड़ा पूजा पाठ कर दो, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, वो कभी भी अपने भक्त के ऊपर बिल्कुल भी नाराज नहीं होते। और रही बात उनका आँख निकल जाना, उनका रंग खराब हो गया, उनका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, खंडित होना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर उनका आँख टूट रहा है तो इसमें जो विग्रह बनाते हैं उनका ही कोई प्रॉब्लम है, और वो तो आँख तो चिपकाया हुआ रहता है ना, इसीलिए जब हम स्नान श्रृंगार कराते हैं तो वो खुल सकता है, वो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आँख निकल रहा है तो आप उसे ठीक करा सकते हैं। जहाँ से आपने लड्डू गोपाल जी को लाया है उसी दुकान से आप ठाकुर जी को ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ से भी ठाकुर जी को ठीक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आँख निकलने से या रंग खराब होने से ठाकुर जी कभी खंडित नहीं होते। अब यहाँ और एक बात, अगर हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो क्या करें? तो देखिए, यहाँ बहुत से लोग कहते हैं, हमारे शास्त्र हमें कहते हैं, खंडित विग्रह को याद रखना, हमारी अच्छे से हमारे बातों को सुनिए, खंडित विग्रह को या खंडित मूर्ति को पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हमारे लड्डू गोपाल जी मूर्ति है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आते हैं या ठाकुर जी कृपा करके हमारे साथ आते हैं तब भी तो वो हमारे हो जाते हैं ना, और जब हम उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो वो तो जीवित हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि खंडित मूर्ति को पूजा मत करो, लेकिन लड्डू गोपाल जी कभी मूर्ति है ही नहीं, हमारे प्रेम से, हमारे पूजा पाठ से वो जीवित हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके लड्डू गोपाल जी का हाथ या पैर टूट गया है तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं और उनका पूजा कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डांटना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल जी का सेवा कर रहे हो तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी आपके हाथ से बिल्कुल भी ना छूटे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का हाथ पैर तभी छूटता है या टूटता है जब वो हमारे हाथों से छूट जाते हैं, या हम उन्हें ठीक से सेवा नहीं करते हैं तभी वो हमारे हाथ से गिर जाते हैं। अगर हम उन्हें अच्छे से सेवा करेंगे तो ज़रा सोचिए, क्या वो हमारे हाथ से छूटेंगे या गिरेंगे? इसीलिए जब भी हम ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं ना, तो हमें पूरे ध्यान से ठाकुर जी का सेवा करना है, ताकि वो कभी भी हमारे हाथ से छूट ना जाए। या फिर जब आप लड्डू गोपाल जी का सेवा कर रहे हो तो कहीं बैठकर सेवा कीजिए, तो इससे ठाकुर जी ना गिरेंगे और ना ही उनका हाथ पैर टूटेगा। ये तो गया उनके खंडित होने के विषय में, आप उनका पूरा पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ और एक सवाल भी आता है, दीदी जब हम लड्डू गोपाल जी को ठीक कराने जाते हैं दुकान में तो भी तो उन्हें कष्ट होता होगा। हाँ, ज़रूर कष्ट होता है, इसीलिए जब आप ठाकुर जी को
लेकर जा रहे हैं दुकान में ठीक कराने के लिए, तब अवश्य अपने घर के आसपास या कोई भी कृष्ण मंदिर में जाइए और भगवान जी को, मतलब आपके ठाकुर जी के अंदर जो प्राण है, उन्हें आप कृष्ण भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कुछ देर के लिए आप यहाँ रहिए, उसके बाद जब आप ठीक हो जाओगे तब हम आपको वापस लेकर जाएंगे। यही कहकर, ये प्रार्थना कर आप लड्डू गोपाल जी के प्राण को श्री कृष्ण में रख सकते हैं और फिर से ठाकुर जी को ठीक कर सकते हैं, और उन्हें दुकान में देकर जो भी उनका हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, आंख निकल गया है, कलर खराब हो गया है, सब कुछ ठीक करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ और एक बात भी कहना चाहते हैं, अगर आप घर पर ही ठीक कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी का आंख निकल गया तो हमने उन्हें घर पर ठीक कर लिया, ऐसा हो सकता है, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन आपसे अगर बिल्कुल भी नहीं होता तो आप दुकान में दे सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर पर ही ठीक करते हैं, तो उनके लिए भी हम कह देते हैं, जब आप ठाकुर जी का श्रृंगार करा रहे हैं या फिर उनका हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, आंखें निकल गए हैं, तो ये सब अगर आप ठीक कर रहे हैं तो भी आप अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना कीजिए कि ठाकुर जी आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए या खेलने जाइए या गौ माता को चराने जाइए, जब आप ठीक हो जाओगे, आपका श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा, तब आप वापस आ जाना, ताकि आपको बिल्कुल भी कष्ट ना हो, ठीक है। तो ऐसे आप अपने ठाकुर जी को ठीक कर सकते हैं। कभी भी याद रखना, कभी भी भगवान लड्डू गोपाल जी खंडित नहीं होते, क्योंकि वो तो हमारे भाव से बने होते हैं और हम लड्डू गोपाल जी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, इसीलिए क्या हमारे बच्चे हमारे पास कभी भी खंडित होते हैं या उनके हाथ पैर टूट जाता है तो क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना। ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल जी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे अंदर के आत्मा है, इसीलिए कभी भी लड्डू गोपाल जी खंडित नहीं होते। आप उन्हें ठीक करके फिर से पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। आशा है हमने आपके मन का सारा डाउट क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हर रोज़ ठाकुर जी का प्यारा प्यारा लीला कथा और क्वेश्चन आंसर सुनने के लिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर करिएगा, हम आपको क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।